भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच खूब देखी जा रही यह फिल्म 5 दिन में कमाए इतने करोड़। हाय फ्रेंड, मैं हूं और आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, टोटल धमाल बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही और इस फिल्म ने शानदार ओपनिंग के बाद अब रिलीज के 6 दिनों में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने की तैयारी कर ली है। वहीं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म शनिवार और रविवार के अलावा दूसरे दिनों में भी काफी अच्छी कमाई कर रही है। अब कुल आंकड़े की बात की जाए तो फिल्म ने 81 करोड़ रुपए कमा ली। ये आंकड़े केवल भारत के हैं। दोस्तों, फिल्म ने शुक्रवार यानी रिलीज के दिन 22 फरवरी को फिल्म ने 16.50 करोड़ की कमाई की। शनिवार को कमाई में इजाफा देखने को मिला। इस दिन कलेक्शन 20.40 करोड़ रही, रविवार 25.50 करोड़, सोमवार 9.85 करोड़ और मंगलवार को 8.75 करोड़, यानी कुल मिलाकर अब तक 81 करोड़ की कलेक्शन हो चुकी है। फिल्म की शानदार कमाई के साथ अजय देवगन के पास खुशियां मनाने का डबल मौका आ गया है और ऐसा इसलिए क्योंकि यह फिल्म उनकी नॉन हॉलीडे पर रिलीज हुई सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। मतलब ये कि इसे दिवाली, होली, स्वतंत्रता दिवस या किसी ऐसे छुट्टी के मौके पर रिलीज नहीं किया गया, लेकिन तब भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने में कामयाब रही। दोस्तों, बीते 4 सालों में अजय देवगन की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों की बात करें तो लिस्ट कुछ इस तरह है। 2014 में 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई सिंघम रिटर्न ने पहले 3 दिनों में यानी ओपनिंग वीकेंड पर 77.69 करोड़ की कमाई की थी। वहीं 2017 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई गोलमाल अगेन ने 87.60 करोड़ की कमाई की थी। अब बात टोटल धमाल की थी। यह फिल्म ऐसे किसी छुट्टी के मौके पर रिलीज नहीं की गई थी, लेकिन तब भी केवल दर्शकों की तारीफों के बल पर ये ऑडियंस को थिएटर तक खींचने में कामयाब रही। सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon.